हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बीएचयू में किस तरह से एग्जाम होते हैं, क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से एग्जाम देना है। तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज हम आपको देने जा रहे हैं। आपका जो एग्जाम होता है वो टू आवर्स का होता है, इसका मतलब आपको 120 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए और आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो 100 होता है और ये 300 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। और एक अगर आप रॉन्ग करते हो तो उस केस में आपको एक नेगेटिव भी मिलता है, तो आप नेगेटिव नहीं करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो टोटल होते हैं वो आपका 150 सीट्स होते हैं। इसमें 15% आपका ICAR के थ्रू भी अर्निंग से होता है। इसका मतलब है कि बीएचयू एंट्रेंस के थ्रू आपको बस 123 सीट्स के लिए ही एग्जाम देना होता है, तो सीट्स काफ़ी कम होते हैं और बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर फॉर्म डालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपका जो एग्जाम होता है, आप जो फॉर्म डालते हैं उसमें आपको ग्रुप चूज करने के लिए दिया जाता है। इसमें 3 ग्रुप्स में आपके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप आपका होता है बायोलॉजी, सेकेंड ग्रुप आपका होता है मैथ्स, थर्ड ग्रुप आपका होता है एग्रीकल्चर। इन 3 ग्रुप्स में आपके 5 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 200 होता है एक सीट में, लेकिन आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप जो भी बच्चे बायो ग्रुप वाले होंगे उन बच्चों को मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और प्लस आपके बोटनी के 25 क्वेश्चन और जियोलॉजी के 25 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी होता है तीनों ग्रुप के लिए। मतलब जो बच्चे मैथ्स ग्रुप के होंगे उनको भी मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री करनी है, और जो बच्चे मैथ बायो ग्रुप के हैं उनको भी आपको मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री करनी है, जो एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं उनको भी मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री करनी है। इसके बाद जो मैथ्स ग्रुप के बच्चे होंगे उनको आपको मैथ्स और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो बच्चे एग्रीकल्चर के होंगे उनको 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के करने होते हैं। मतलब एक ग्रुप के बच्चे को सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभार एग्जाम्स में जब हम बैठे होते हैं तो उस समय हमें पता नहीं चलता है कि किस चीज़ का क्वेश्चन करना है, और जनरली जो बच्चे बायो ग्रुप के होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़े होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन करने हैं, जबकि बायो ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर फिजिक्स नहीं करना है, सिर्फ केमिस्ट्री बायो और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह होंगी या किस तरह से आपको तैयारी करनी है इसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और आप इसके लिए लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप देखिएगा। बायो के लिए आपको एनसीईआरटी